कभी बीच बाजार में तो कभी शहरों के बीच में और अब पेट्रोल पंप। इन दिनों पूरे क्षेत्र में छिनतई और लूटपाट करने वाले गिरोह की गिरफ्त में हैं। ये बेखौफ लुटेरे अब वारदात को अपनी सहूलियत के हिसाब से अंजाम दे रहे हैं और खाकी की भारी भरकम फौज बस तमाशबीन बन तमाशा देखती नजर आ रही है। ताज़ा वाक्या बिहार की सीमा से सटे दर्दमारा इलाके का है, जहां एक पेट्रोल पंप कर्मी से बदमाशों ने 2.5 लाख रुपए की छिनतई कर आराम से चलते बने। बताया जा रहा है कि कोठिया इलाके के पास मौजूद सरिता पेट्रोल पंप के कैशियर पूरे दिन का कैश लेकर जा रहा था। इसी बीच पल्सर बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने पहले कैशियर की मोटरसाइकिल में टक्कर मारी और फिर हवाई फायरिंग कर गाड़ी की डिक्की में रखे 2.5 लाख कैश लूट कर फरार हो गए। हम जा रहे थे पंप से घर नंदन पहाड़ के लिए। मेरे गाड़ी में पैसा था 2,46,200 था। उसमें गिदनी मोड़ पोखरा के पास पीछे से अपाची गाड़ी उनको पीछे से ठोक दिए, हम गिर गए। गिरने के बाद उनको दिखा दिया पिस्टल, जो फायरिंग भी किया हमको तो सुनाई नहीं दिया। उसके बाद हम गिरल थे, वो चाबी खोला अपना मेरा बाइक का, निकाल लिया डिक्के से, फरार हो गया। कहाँ का पैसा था? पंप का पैसा था। पुलिस पीड़ित की इस पूरी घटना को ही फिल्मी करार दे रही है। पुलिस की माने तो मौके वारदात पर जांच के दौरान ना तो किसी ने फायरिंग की पुष्टि की और ना ही पीड़ित के शरीर पर चोट के निशान पाए गए। इतना ही नहीं, पुलिस के मुताबिक लूटपाट की इस पूरी कहानी में घालमेल नजर है। 7:45 के आसपास हमारे कुठिया क्षेत्र में जो सरिता पेट्रोल पंप है उसके स्टाफ विमल कुमार और जो कैशियर है वो उन्होंने बताया कि वो लौट रहे थे तो बंका हाउस से 50 गज पहले एक पल्सर बाइक पे सवार 3 व्यक्ति आए और इनको धक्का मार करके गिरा दिए। जब ये गिर गए तो उसने जो है इनकी बाइक की चाबी ले ली और इनके मोटरसाइकिल से जो है डिक्की खोल करके जो है 2.5 लाख रुपए निकाल लिए जो इनके पेट्रोल पंप का था और 2 फायर किया और चले गए। जब हम लोग घटना की सूचना पर गए वहाँ पे तो हम लोग ने पीओ का निरीक्षण किया तो वहाँ पे कोई खोखा वोखा नहीं पाया गया। 50 कदम की दूरी पर बंका हाउस और 4-5 किराना का दुकान था। मैंने जब उन लोग से पूछा तो उन्होंने बताया सर कि हम लोग तो बगल यहीं से शाम से खड़े हैं लेकिन फायर की कोई आवाज़ नहीं सुने। जब घटनास्थल से पीछे 100 कदम पीछे मैंने वहाँ पर भी लोगों से पूछताछ किया जो काफ़ी बस्ती थी, बताया सर कि हम लोग को तो नहीं पता कि 1 घंटा पहले यहाँ पर लूटपाट हुई और फायरिंग की आवाज़ हुई है, ठीक है ना। दूसरी बात, जब मैं इस लड़के को देखा तो ये लड़का ने बताया कि मेरी बाइक जो है 40 किलोमीटर के स्पीड में थी। 40 किलोमीटर मैं बोला कि जब तुम नहीं दे पाए तो इन्होंने लिखित दे दिया है, मामले को दर्ज कर लिया गया है लेकिन और पुलिस जाँच पड़ताल कर रही है। आपको क्या लगता है कि ये मामला मिली भगत का भी हो सकता है? सत्य है और पैसा गमन करने के दृष्टिकोण से किया गया। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर खाकी ने मामला तो दर्ज कर लिया है लेकिन लूट की पूरी कहानी और मौके वारदात से मिले सबूत इस पूरी वारदात पर ही सवाल खड़ी करती नजर आ रही है।